أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। यह रमजान का महीना है जिसमें कुरान नाजिल हुआ। वो साथी के जिनके बगैर शान रमजान जाहिर है नामुकम्मल है, यानी कि हमारे वो बरादरान वो दोस्त के जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र रोजाना करके शान रमजान की शान को बढ़ाते हैं। मेरा भाई मेरा दोस्त जनाब वसीम वसी साहब तशरीफ फरमाए। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से भाई? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह, मिजाज बखैर है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे दोस्त हरदिल अजीज हर वक्त अपने चेहरे पर वही मुस्कुराहट लिए हुए जनाब महमूद हुसैन अशरफी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आमद रमजान मुबारक हो। बहुत बहुत मुबारक माशाल्लाह। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। जज़ाकअल्लाह। जनाब कारी मोहसिन साहब जो कि अपने मखसूस अंदाज में कलाम पेश करते हैं, कारी साहब ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम टू शान रमजान। बहुत शुक्रिया। वक्त तेजी से गुजर गया एक बार फिर अल्हम्दुलिल्लाह। वही कारी साहब की आवाज़ से आगाज और वही माह रमजान की रौनक इंशाल्लाह। जनाब ज़ोय अशरफी साहब आप खैरियत से ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो जनाब आलम इस्लाम को रमजान करीम की मुबारकबाद पहुंचे। खैर वारक इंशाल्लाह। तो इस गोशे में हम रोजाना जब तिलावत से वहाँ आगाज करेंगे कारी बीजफर कासमी साहब, और फिर मैं इस गोशे में आ जाऊँगा कि जहाँ पर हम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुजूर नजराने अकीदे सुना करेंगे अपने बरादरान से इंशाल्लाह। और गोशा है साहिब कुरान। क्या कहना है, वाह वाह सुभान अल्लाह, बिल्कुल ठीक है, क्या कहना है। और फिर आप जानते हैं जाहिर है कि शान रमजान तो एक मजमुआ है, और ये माह रमजान में तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक लाइफ स्टाइल का नाम हो गया है नशरिया से ज्यादा। अब शान रमजान तो इसमें वो जगह है कि जहाँ पर रोजाना शेफ फरा हमें यानी खाना पकाएंगे, बहुत ज़बरदस्त खाना पकाएंगे मुझे यकीन है, और इफ्तार में जो है उनसे मुलाकात भी होगी। तो शेफ फरा मैं आपका मुंतज़र हूँ, बस आप आइए ताकि जो है वो इस जगह को आप आबाद कीजिए, और हम रोज़ाना जो है वो ज़बरदस्त तरीके से आपके जो पकाए हुए खाने हैं वो बाद अस इफ्तार इंजॉय कर सकें जनाब। तो ये है शेफ फरा, और साथ होते हैं तैयार हैं जनाब। तो मैं यहाँ दावत दूँ और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। जनाब इकरार उल हसन साहब आइएगा जनाब, सैयद इकरार उल हसन साहब। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं आप? ठीक ठाक है जी, आप कैसे हैं? खैरियत से हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये वाला कर लें कभी ये कभी ये। जनाब वेलकम टू शान रमजान। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक साल और गुजर गया, और वही रौनक वही बरकतें समेटने के लिए तैयार हैं इंशाल्लाह। इफ्तार का खास तौर पे इंतजार है जी हां इंशाल्लाह। तो के आगे क्या मामलात हैं? तो जनाब ये ऑफ कोर्स ये वो जगह है कि जहाँ पर एक बार फिर बड़ा तगड़ा किस्म का मुकाबला होने वाला है मेरा और डॉक्टर साहब का। ये जो है वो शाने इल्म का कॉर्नर, और शाने इल्म में इस दफ़ा बहुत कुछ नया भी है, तो आप बहुत इन्जॉय करने वाले हैं शाने इल्म। ये मेरी ये आप रिकॉर्ड पर रख लीजिए बात, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको। तो जनाब यहाँ पर हमारा क्विज का मुकाबला होगा कि जिसमें जाहिर है मैं तो सबसे पहले अपने लिए कहूँगा कि अपनी मालूमात में इजाफा करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा हम आप लोगों से भी चीज़ें शेयर करेंगे इंशाल्लाह, लुत्फ आएगा। मुझे मालूम है कि जब शाने इल्म का आगाज़ होता है लोग घरों में भी खेल रहे होते हैं, घरों में भी लोग टीम्स डिवाइड कर रहे होते हैं, तो वह सारा सिलसिला